एक्चुअली हमारे पास जब कोई भी चीज हमारे पास आती है ना, सो भगवान एक्चुअली स्टीफन कोवी का एक बुक है आपको मालूम है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें उसने एक लेडीज का चित्र दिखा है और चित्र में आप ऐसे देखोगे तो 18 साल की दिखती है, ऐसे देखोगे तो 80 साल की दिखती है। इसका मतलब क्या है, चित्र वही है, हम उसको कैसे देखते हैं, करेक्ट। अभी मधुकर ने जब पूछा ऐसा ऐसा होता है, दमानी जी के साथ मेरा जनरली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होते रहता है, तो दीपक एक दिन मेरे क्लाइंट ने 2 लाख का मेडिक्लेम का क्लेम था, उसके लिए उसने 5-6 दफ़े फ़ोन कर लिया और मैंने जानबूझ के उसको सेटल नहीं किया, 1-1.5 महीना रहने दिया, भड़क गया था मैं, उसको मिलने को चला गया। बोलते सर आप 2 लाख के मेडिक्लेम के चेक के लिए आप इतने ऊपर नीचे हो रहे हो, आप जिंदा हो, आपको कुछ हो गया उसका कभी हमने सोचा? मतलब मैं ऐसा करके 2 करोड़ की पॉलिसी बेच के, आदमी करता है 2 लाख के मेडिक्लेम का कंप्लेन, करना क्या, जाके कुछ उसने सेल कर ला, बात तो वही है, बात ऐसी बात नहीं है। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं सर इन्फ्लेशन के बाद कितना पैसा मिलेगा, आपको भी बोलते होंगे ना, इन्फ्लेशन के बाद कितना पैसा आज भरेगी, इन्फ्लेशन का वैल्यू क्या, मैं उसको यही पूछता हूँ, मैं चला आपको तो इंश्योरेंस लेने से इन्फ्लेशन का फायदा हो जाएगा। बोला कैसे, मतलब आप आज 1 लाख रुपया भरोगे ना, कल का 1 लाख रुपया 90,000 ही भरोगे ना, परसों का 1 लाख रुपया 80,000 भरोगे ना, तो हर साल आप कम 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 भरते जाओगे ना, नक्की कर लिया तो इन्फ्लेशन का फायदा होगा, अगर नक्की नहीं किया तो इन्फ्लेशन से नुकसान होगा। बात वही है, और आप जो 20वें साल में 1 लाख भरोगे उसकी वैल्यू तो 1000 रुपये ही रहेगी। हाँ बात तो वही है, अरे इन्फ्लेशन खाली मेरे पैसे को थोड़ी लगने वाला, पूरे दुनिया के पैसे लगने वाला है। लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस के पैसे को इन्फ्लेशन लगता है, अपने को लोग उल्लू बनाते रहते हैं, हम भी उल्लू बनते रहते हैं। अभी स्वप्निल को उसने जैसे भी पोस्टपोनमेंट की बात आती है ना, सो मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगा था, बेसिक कोर्स में था, कृष्णकांत यादव कुछ नाम था उसका, वो जैसे एक पार्टी ने बोला एक काम करना कृष्णकांत अगले हफ्ते आ जाओ, बोले सर मैं तो आ जाऊंगा लेकिन आप मेरी एक बात सुन सकते हैं। अभी एजेंट जाता है और बात सुनने का उसके बार्गेन है ना, ये जाता है और बात सुना तो वांदा नहीं। बोला सर आपने वो MG रोड पे कृष्णा डेयरी देखा है, उसके मालिक ये भी डेयरी वाला था? हाँ देखा है, पहचानते उसको? उसने बोला ना। अभी ना बोला तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं ना। बोला मैं 2 महीने पहले की बात है, उसके पिताजी को मैंने पॉलिसी समझाया, उसने बोला अगले हफ्ते आओ, मैं दूसरे हफ्ते गया, जैसा गया तो उसके लड़के ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, बोला तूने मेरे पिताजी का पॉलिसी की तो उसका क्लेम दिला। बोले तेरे पिताजी ने पॉलिसी का तेरे सामने तो बोला था कि अगले हफ्ते आ जा। बोले उसमें मैं क्या जानो, तूने अगले वो टाइम पैसा लिया हो तो तेरे को क्लेम देना पड़ता था, तूने नहीं लिया तेरी गलती, मेरे को तो 2 लाख चाहिए। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, अब उसको क्या लगा, वो डेयरी वाला मर गया ना, इनडायरेक्टली उसने बोला ना। अभी कभी कभी ना जो स्टोरी में टर्निंग आता है ना बहुत मजा आता है। एक्चुअली कभी ऐसे बोला कि दिवेश भाई आपको पोस्टपोन करना तो कर लो, लेकिन मैं एक मेरे जीवन की एक न बताने वाली घटना बताना चाहता हूँ। क्या हुआ, बोला मैंने एक मेरा दोस्त एक पहचान वाले का फॉर्म पॉलिसी बेचने को गया और 2.25 करोड़ की पॉलिसी थी, जैसे आदमी है वैसे, उसने भी ऐसे ही बोला था कि अब 6 महीने बात करेंगे, और क्या बताओ 2 महीने बाद उसका कार एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी वो क्या करेगा, उसको तो क्लेम नहीं मिला होगा ना। बोला स्वप्निल जी लेकिन मैंने एक काम किया था, उसने जब बोला था ना 6 महीने बाद आना, मैंने उसको जबरदस्ती करके वही दिन चेक लिया था और उसको 2.25 करोड़ का क्लेम मिला था।
टर्निंग वाली, कुछ स्टोरी टर्निंग वाली। सो हमें हमेशा अच्छी स्टोरी सुनानी चाहिए, इंश्योरेंस के बेनिफिट की स्टोरी सुनानी चाहिए, ना कि गलत स्टोरी सुनानी चाहिए। तो गलत स्टोरी सुनाते तो सोचने का मैं एफयू राम से हूँ, बेनिफिट की स्टोरी सुनाते तो समझने का मैं राज कपूर हूँ। सो मैं मेरे जीवन की कुछ घटनाएं बताओ। मैं एक क्लाइंट का क्लेम हुआ था, मैं नया नया एजेंट था, तो नया नया तो अपने को तो कोई बुलाए तो उसके पहले अपन पहुँच जाते। तो सांताक्रूज में हमारे एक रिलेटिव है, मैं अप्रोच कर रहा था लेकिन वो लोग मुझे टाल रहे थे क्योंकि उनके पास एक फैमिली एजेंट था। एक दिन उनकी दुकान में पानी भर गया, मिलन सब्वे की इधर दुकान है, लो लाइन एरिया है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, दीपक भाई ऐसा ऐसा दुकान में पानी भर गया है, इसका क्लेम कैसे करें। मतलब मैं आता हूँ, तभी मेरे पास कैनेडी होंडा था, वो स्वेटर वो रेनकोट डाला, टोपी डाला, मुकद्दर का सिकंदर के जैसे पहुँच गया मैं तो आधा घंटे में उधर उनके दुकान में। अभी तो पानी भर रहा था और मैं पहुँच गया उनके घर पे, चले गए, बात किया। मैंने पॉलिसी देखा, दो साल से पॉलिसी रिन्यू नहीं था। मैंने बोला ये तो पॉलिसी है ही नहीं। लेकिन वो पार्टी ने जो बात बोली ना, वो बोले दीपक भाई हमें क्लेम मिले न मिले उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम आके बतावे कि नहीं मिलेगा। पार्टी को कम से कम क्लेम से कम लेना देना होता है, एक मैनर्स एटीट्यूड से ज़्यादा लेना देना होता है। पहले हम जाके बता देवे ना इसको नहीं मिलेगा, देन इट बिकम्स ऑथेंटिक। सो पीपल लव द ऑथेंटिक पीपल। सो कोई गलती हुई है तो जाके बता दे। आपको आपको कोई छुपते रहे वो अच्छा लगेगा कि सामने से आके बता दे वो अच्छा लगे। अच्छा दूसरा, अभी इसका जवाब देना है तो म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालो, शेयर बाजार में पैसे डालो, और शेयर बाजार 2000 पॉइंट कम हो गया, वो म्यूचुअल फंड वाला आके क्या बोलते हैं? हाँ अभी राइट चांस है, और डाल दो, एवरेज कर लो। वो लोग एक्सपर्ट हो गए, जैसा कम होता है ना गिरता है ना, लोग सामने से अप्रोच करते हैं, डालो और डालो और डालो, ये भी सोचता है। अभी तो लोग कन्विंस हो गए, कम हुआ करके डालो। अच्छा हम लोग इसके पास नहीं जा सकते, जाके बोल नहीं सकते हैं कि दोस्त ये पॉलिसी तेरे को लंबी चलानी। पहली बात, जितनी ली है ना उतनी चलानी है सबसे पहले, तो शॉर्ट न चला देगा और उसको बता क्या है कि भाई शॉर्ट चलाया तो ये प्रॉब्लम होगा। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी बात ये बोल सकती है कि ये पॉलिसी में भी तेरे को जो मिलने वाला था 10 लाख, उसके बदले में मिलने वाला 1 ही लाख, तो तू 9 लाख का और कुछ कर ले। हेलो, उसका प्लानिंग तो बता सकते हैं ना, जो होने वाला है होने वाला, उसको ना तो आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ, लेकिन जाके कुछ बता तो सकते हैं ना। मेरा मतलब है हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। एक इंडिया की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल छोड़ दो, बहुत बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी का क्लेम हुआ है, 2 साल से क्लेम नहीं मिल रहा। जी ऐसी अच्छी बात है बुरी बात? बुरी बात है ना। बोलो उस पार्टी को कहीं क्लेम नहीं मिला, मेरे पास कैसे भी उसने अप्रोच किया, मैंने उसका क्लेम सेटल करा दिया। उस ग्रुप का जो चेयरमैन, उसने आगे से एक रिजोल्यूशन बोर्ड पास किया कि जो भी इंश्योरेंस कराया जाएगा रमेश दमानी के पास कराया जाएगा। आज उनका लड़का, क्योंकि उनका फ्रैक्चर हुआ था तो अभी भी घर पे है, भला आज उस कंपनी के चेयरमैन का बेटा वो ऑर्डर लेके आ रहा है, मेरे को लेटर लेके आ रहा है कि आगे से सब काम रमेश दमानी को दिया जाएगा, एंड प्रीमियम इज जस्ट ओनली 18 to 20 crore। अठारह से 20 करोड़ का जीएससी का प्रीमियम है। इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा है, आपको नाम भी दे दो, जिंदाल ग्रुप। उनका बेटा, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, हमारे पास ट्रबल आई, ट्रबल से हम भाग गए और ट्रबल को हमने अचीव किया। अभी आपको लगता होगा ये क्लेम नहीं मिलता और वो क्लेम नहीं मिलता, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन वो इसमें मास्टरी आ गई ना कि ये आदमी इसके क्लेम दिला सकता है। सो वी हैव टू अचीव। दुनिया में होने वाला तो सब कुछ है, लेकिन जब हम कुछ अचीव करेंगे उसके ऊपर कुछ दिमाग लगाएंगे, उसके ऊपर कुछ सोच के निकालेंगे, कुछ
एक्सपर्टाइज करेंगे, रमेश धमानी के पास कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला क्लेम भी वो दिमाग चलाते। शेयर बाजार का एक डाटा एंट्री का मिस्टेक वाला केस भी उन्होंने सेटल किया, मेरे पास तो शेयरिंग करते। सो आज के बाद एक सोचने का कि ये प्रॉब्लम मेरे पास जो आया है मुझे हटाने के लिए नहीं आया, मुझे बड़ा बनाने के लिए आया और उसमें से कुछ मुझे आइडिया निकालना है।